हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो सेंट्रिपेटल फोर्स था, अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर की तरफ फोर्स लगता था, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता था एफ, उसको हम लोग सेंट्रिपेटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल बोलते थे। और इसकी जो वैल्यू होती थी वो होती थी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास अभिकेंद्रीय बल का जो बेसिकली फॉर्मूला था, जिसको हम लोग इसके पहले वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रियल लाइफ में जो सर्कुलर मोशन होती है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कार का मुड़ना। आपने देखा होगा, अगर आप कार या बस में कहीं जा रहे हैं तो जो मोड़ होता है, इस तरीके से कोई मोड़ है रोड, और यहाँ पे आपकी कार या बस जा रही है, तो जब एक कार या बस यहाँ जाती है, गुजरती है, तो जब ये घूमेगी इसमें, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक सर्कुलर मोशन में जा रही होगी, यानी कि कुछ ये सर्किल टाइप का बन रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा ये घूम रही है, तो ये सर्कुलर मोशन करनी होगी यहां से लेके यहां तक। तो यहाँ पे एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अब अभिकेंद्रीय बल कहां से आएगा, तो आपको पता होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे टायर के पहिए में के साथ आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ को होगा, क्योंकि बस पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। जैसे कि आप जब भी मुड़ते हैं तो हम लोग, अगर हम लोग इस तरफ को मुड़ रहे हैं तो हम लोग बाहर की तरफ, अगर हम बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, तो हम लोग को ऐसे लगेगा कि जैसे हम बाहर की तरफ गिरने वाले हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। मतलब कि हम जब मुड़ रहे होते हैं तो हम बाहर की तरफ खिसकने वाले होते हैं, और उस फोर्स को मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन घर्षण काम करता है। इसके पहले वीडियो में, इसके पहले चैप्टर में हम लोग घर्षण को यानी कि फ्रिक्शन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जब भी कहीं भी गति होती है तो उस गति की उल्टी दिशा में। अब देखिए, एक तो आगे बढ़ रहा है तो एक फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा होगा, लेकिन ये पीछे की तरफ बाहर की तरफ ही खिसक रहा है, क्योंकि ये गोल चक्कर में घूम रहा है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वही इसके अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। तो जब भी ये गाड़ी मुड़ती है तो बाहर की तरफ एक फिसलती है, जिसकी वजह से घर्षण उत्पन्न होता है। वो घर्षण जो होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से अभिकेंद्रीय बल मिलता है और ये सर्कुलर मोशन में चल पाती है। अब मान लीजिए सड़क बहुत चिकनी है, या फिर जो गाड़ी के टायर हैं या फिर बस के जो टायर हैं वो बहुत ज्यादा घिसे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, मोड़ पे गाड़ी खिसक के रोड के नीचे गिर जाती है। तो वो इसी वजह से होता है, या तो रोड बहुत ज्यादा चिकना है तो उसमें उसको उतना घर्षण नहीं मिल पा रहा कि वो, जैसे कि आप कोई भी चीज मान लीजिए कि आप रस्सी में पत्थर बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, पत्थर खिसक के नीचे गिर जाएगा, पत्थर छूट के आगे की तरफ भाग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर पर्याप्त घर्षण ना मिले तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ खिसल जाएगा, यानी कि ये सीधे सीधे चला जाएगा और यहाँ पे फिसल के रोड से नीचे उतर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। तो इसीलिए जब भी देखा होगा कि आपने रोड पे गाड़ियां स्लो हो जाती, तो वो क्यों होती है, उसका भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अभी, कि हमें स्पीड और एंगल को कैसे मेंटेन करना है। तो ज्यादातर आपने रोड मोड देखे होंगे, सड़क के मोड, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ढलान होता है, यानी कि जैसे मोड है तो मोड पे जो रोड होते हैं वो थोड़े से टेढ़े होते हैं, तिरछे होते हैं, ताकि वहां पे घर्षण ज्यादा से ज्यादा मिल सके और गाड़ी के फिसलने के चांसेस कम हो जाए। और यही कॉन्सेप्ट सेम जो हमारे पास जो गेम सर्कस में आपने देखा होगा मौत का कुआ होता है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पे हमें फ्रिक्शन की वजह से हम लोगों को जो अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग रस्सी को डोरी से बांधते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रस्सी को, हम किसी चीज को रस्सी से बांध के और उसको घुमाएं, तो उस केस में भी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो रस्सी को हम अपनी तरफ खींचे रखते हैं, हमारे हाथ में जोड़ पड़ता है, कभी आप रस्सी को बांधिए, एक पत्थर से रस्सी को बांधिए, उसको ऐसे से घुमाइए, तो आपके हाथ को जोड़ पड़ेगा, आपको उसको खींचना पड़ेगा अपनी तरफ, तो वही जो खिंचाव होता है उसकी वजह से उस रस्सी में टेंशन पैदा होती है, वो टेंशन ही क्या करती है, अभिकेंद्रीय बल का काम करती है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगला एग्जाम्पल जो है हमारा, मान लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल भी है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से हमने एक रस्सी को, एक क्या किया, एक पत्थर को बांधा और उसको इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ा एंगल पे और उसको छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में मान लीजिए गति कर रहा है, ये यहां से यहां तक गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको मैं और सर्कुलर बना देता हूं, इस तरीके से गति कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये देखिए, ये इसका केंद्र था तो ये इसकी आर डिस्टेंस हुई, यहां पे इसका जो भार है इस पॉइंट का वो एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और इसका जो
टेंशन है टी, वो इधर लगेगा। तो देखिए यहां पे एंगल मान लीजिए थीटा है, तो अगर मैं इसको ऊपर बढ़ा दूं तो यहां भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिसके साथ थीटा दिया वो कॉस के साथ आता, कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, टी साइन थीटा। तो देखिए टी कॉस थीटा तो एमजी को इक्वलाइज कर देगा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी, और टी साइन थीटा ही इसके अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। टी साइन थीटा क्या करेगा, इसके अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। तो यहां पे टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल साइन थीटा, और टी अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की हमें वैल्यू पता है, वी की वैल्यू जो होती है, अगर ये सर्किल है, सर्किल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये क्या करेगा, टू पाई आर, टू पाई इसका क्या है, टू पाई आर इसकी पूरी डिस्टेंस है, तो टू पाई आर, मान लीजिए टी सेकंड में ये एक चक्कर लगा रही, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी टू पाई आर अपॉन टी, वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पाई आर अपॉन टी। अब यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं, अब अगर हम समय इसको इससे डिवाइड कर दें, यानी कि टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, यहां पे हम लिख दें, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और अपॉन में एम जी। देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन और टेन क्या हो जाएगा, साइन और कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यहां पे हमें वैल्यू मिल जाती है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, याद रखिएगा ये आगे भी यूज होगा। तो अब मैं इसको, मैं अब इसकी हमें जरूरत नहीं, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, और इसके आगे की कैलकुलेशन, ये हमें पता है वी की वैल्यू यहां पे है, तो मैं यहां से आगे कैलकुलेशन यहां रख रहा हूं, तो वी की वैल्यू हमें पता है टू पाई आर अपॉन टी, या फिर स्मॉल टी आप इसको उत्तर सीधा कर सकते हैं, तो यहां पे टू पाई आर अपॉन टी, तो इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, तो इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू का स्क्वायर यानी कि फोर, देखिए इसका वी का स्क्वायर है तो यानी कि इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, और नीचे क्या था आर जी पहले से था, तो आर और जी, आर और जी। तो अब देखिए आर से आर एक आर यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा, अभी हमारा ये फॉर्मूला भी इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा, फोर पाई स्क्वायर आर अपॉन जी टी स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहां पे आर की बात करें, आर की बात करें तो ये देखिए ये थीटा है, तो ये अगर हमारा पास ये लंबाई इसकी एल है, तो इस डायग्राम को चूंकि यहां पे मैं अगर बनाऊंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं सेम डायग्राम इसको इस तरफ समझ लेते हैं, इसकी लंबाई एल है, ये हमें दिया है थीटा है, ये अगर हमें थीटा दिया है तो हम यहां पे साइन जो हमारे पास यहां पे हम कॉस या साइन की वैल्यू लगा सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर दिस, वैल्यू कितनी है आर, दिस अपॉन दिस, तो आर अपॉन एल, तो यहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एल साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एल साइन थीटा। यहां पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सिंपली साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन एल, तो हमने आर की वैल्यू यहां निकाल ली, तो आर की वैल्यू यहां पे हम रख सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर पाई स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एल साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एल साइन थीटा अपॉन जी टी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन को इक्व टू फोर पाई स्क्वायर एल साइन थीटा अपॉन जी टी स्क्वायर। तो देखिये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एल नहीं कैंसिल होगा, अब देखिए यहां से जी टी इस तरफ आएगा, कॉस थीटा इस तरफ जाएगा, तो जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, या फिर हम सिर्फ टी इधर ले आते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन टी स्क्वायर अपॉन जी, मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसका हम इसको अभी हम स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट तो ले सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। अब यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की जो वैल्यू होगी, मैं अंडर रूट ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा टू पाई अपॉन टी, टू पाई अपॉन टी अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो हमें
इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सारा एवोल्यूशन बता दिया है, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और मैं उस फॉर्मूले को यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये टी यहाँ पे सॉरी टी स्क्वायर तो हमारा यहाँ आ गया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। टी स्क्वायर हम यहाँ पे ले आए थे, टी स्क्वायर को यहाँ पे ले आए थे, तो ये टी स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, यानी कि ये टी भी यहाँ नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक वहां पे लिखा हुआ था। तो ये जो हमारे टी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब मान लीजिए कि ये जो थीटा है बहुत छोटा है, मतलब जीरो के बराबर है, इसको जीरो के, क्योंकि ये जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, यानी कि मोशन ही नहीं होगा, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो कॉस थीटा टेंस टू जीरो। जब थीटा टेंस टू जीरो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। थीटा टेंस टू जीरो तो कॉस थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहां पर वैल्यू वन हो जाएगी, तो टी इक्वल टू क्या होगा, टू पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। और यही हमारा जो सिंपल लोलक होता है या जो सिंपल आवर्त गति होती है उसका फॉर्मूला है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे आपसे बोला जाता है कि जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो ये जो लोलक होता है उसको बहुत ज्यादा दूर ना ले जाएं, उसको पास में ही एंगल उसका कम से कम रखें। तो मान लीजिए कि आपने गलती से उसको ठीक तरीके से नहीं रोल कराया, तो वो अगर वृत्तीय गति भी कर रहा तब भी उसकी वैल्यू सेम आएगी। इसीलिए हम लोग लैब में बोला जाता है कि उसको ज्यादा दूर तक नहीं खींचना है। तो ये तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल थे और ये हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया, फाइंड किया। ये फॉर्मूला हमें आगे भी यूज आने वाला है, जैसे साइकिल को हम लोग मोड़ते हैं तो हम लोग थोड़े से झुक जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें सर्कुलर मोशन की, तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग ब्रह्मांड के ऊपर, यानी कि सौरमंडल के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो चारों सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मतलब कि उसमें अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कहां से आएगा, वो फोर्स गुरुत्वाकर्षण से आता है। पृथ्वी और सूरज के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि सॉरी गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो उस वजह से सर्कुलर जो पृथ्वी होती है वो सर्कुलर घूमती है। अब पृथ्वी अपने धुरी पे भी चारों ओर इस तरह से घूमती है और साथ में सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो ये पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है ये भी सर्कुलर मोशन है। जो हमारे बाहर के कण हैं ये सर्कुलर मोशन, मान लीजिए आप जैसे इंडिया का मैं बताऊं तो यहाँ पे इंडिया है, तो मान लीजिए इंडिया पे आप रह रहे हैं तो आप भी साथ में सर्कुलर मोशन घूम रहे हैं, लेकिन आप साथ में सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हैं। तो सूरज के चारों तरफ का जो चक्कर लगा रहे हैं उसका जो फोर्स है वो कैसे मेंटेन होता है, अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो भी सेम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु में। तो परमाणु में आपने देखा होगा, अगर आपने परमाणु संरचना पढ़ी है तो यहाँ पे पीच प्लस यानी कि नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो चक्कर सर्कुलर मोशन में लगाते हैं, तो उनके लिए अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वही इसके अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। अब ये तो अभिकेंद्रीय बल का काम हो गया। अब मान लीजिए न्यूटन के थर्ड लॉ को समझते हैं, तो हर एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। तो यहां पे अगर सर्कुलर मोशन हो रही है और यहां पे इसको अभिकेंद्रीय बल लग रहा है F, तो F के बराबर ही दूसरी तरफ भी F लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब इस पे फोर्स यहां लग रहा है तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर भाग रहा है ना इधर भाग रहा है, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा, तो जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगेगा। इसीलिए बाल्टी में क्या होता है, पानी है, बाल्टी है, बाल्टी में कुछ पानी भरा हुआ है और जब हम इसको घुमा रहे होते हैं तो पानी बाहर की तरफ भी निकलता है अंदर की तरफ भी निकलता, क्यों, अंदर तो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है लेकिन बाहर आपका ये फोर्स इसकी प्रतिक्रिया बल लग रहा होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, अभी हम लोग साइकिल को समझते हैं, साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो यहां पे फोर्स कितना चाहिए, फोर्स चाहिए हमें एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फोर्स जरूरी है। तो साइकिल जब भी मोड़ से मुड़ती है, हम लोग साइकिल से मोड़ पे मुड़ते हैं, तो अगर हम सीधे सीधे जा रहे हैं, जैसे कि हम साइकिल चला रहे थे बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाते हैं, तो हम साइकिल नहीं मोड़ पाएंगे। तो जब भी हम साइकिल मोड़ते हैं, आप जब भी साइकिल या मोटर साइकिल पे कभी भी सफर करें और जब भी आप मोड़ पे मुड़े अपने मोड़ पे, तो आप नोटिस करिएगा, देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि आप थोड़े से झुक जाते हैं जिस तरफ को मोड़ होता है, यानी कि अगर मोड़ इस तरफ को है तो आप इस तरीके को थोड़े से झुक जाएंगे अपनी मोटरसाइकिल या फिर अपनी साइकिल टेढ़ी कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि टेढ़ी करेंगे तो वो बाहर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ आएगा और उस फोर्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, यानी कि फोर्स की वैल्यू हमारी इतनी होनी चाहिए। तो अब यहां पे इसको हम ड्राइव करेंगे,
कि हमारा जो थीटा होगा, जैसे कि अभी हम लोग टेन थीटा निकाले थे वही टेन थीटा यहां भी निकलेगा। टेन थीटा की वैल्यू होगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इस फॉर्म में होगी, यानी कि वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यहां पर जो एम को हम कॉन्स्टेंट मान लें, क्योंकि एम तो चेंज होने वाला नहीं, तो एफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर अपॉन आर के, वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो अगर हमें जितना ज्यादा हमारे पास वी स्क्वायर होगा उतना ज्यादा हमें फोर्स चाहिए होगा। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा, क्यों? जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। और अगर आपकी रेडियस बहुत बड़ी है, रेडियस जितनी यानी कि जितना हल्का मुड़ाव है, आर की वैल्यू जितनी छोटी है आपको उतना ज्यादा झुकना पड़ेगा। जितना बड़ा रेडियस है यानी कि घुमाव बहुत कम है तो आपको कम झुकना पड़ेगा। तो जब भी आप मोड़ पे रुकें तो आपको ये याद होना चाहिए कि आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, वी स्क्वायर और आर को मेंटेन कर रहे हैं। आप अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा या फिर आपकी रेडियस बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी रेडियस छोटी है तो आपको या तो स्पीड कम करनी होगी, इसीलिए मोड़ पे हम लोगों को स्पीड कम करनी पड़ती है, या तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी या फिर आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज की है तो हमें उसको 90 अंश के आसपास झुक जाना पड़ता है। तो 90 अंश के आसपास आप झुकते हैं तो आपका जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से गतिक फ्रिक्शन में हो जाता है और आप बाहर की तरफ फिर जाते हैं। तो एक्सीडेंट में आपको ध्यान रखना होता है, जब भी आप मुड़ते हैं तो आपको वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी कम से कम रखनी है और रेडियस यानी कि जो हमारे पास घुमाव है वो ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। तो जब भी ऐसे रोड बनते हैं तो उनको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दिया जाता है ताकि जो फिसलने की चांसेस है वो कम हो जाए। लेकिन अगर रोड चिकना है और आप स्पीड्स में जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहां पे फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था कि जो इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल है। हालांकि हम लोग ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, टेन थीटा इक्वल टू आर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग कार और पटरी जो होती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, ढलान बना होता है रोड की तरफ, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो हमने अभी बताया कि प्रतिक्रिया बल यानी कि अपकेंद्र बल जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो और एग्जाम्पल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको नोट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको सारे वीडियो लेक्चर और इसके अलावा सारे नोट्स और सॉल्व क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑल इन वन सॉल्यूशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इन सबके ट्यूटोरियल्स मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे कोर्सेज यहीं पे अवेलेबल होने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोज को, ताकि वो लोग भी घर बैठे आसानी से अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी रह जाती है तो आप बिल्कुल इसको डिसलाइक भी करें, साथ में हमें बताएं कि क्या कमी रह जाती है ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। और अपने सुझाव, आपको सुझाव हमेशा हम कंसीडर करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑल इन वन सॉल्यूशन एंड्रॉइड को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा ऐप अभी तो मैंने बनाया है, जिसमें आपको सिंपली नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, और आप अपने क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, या फिर आप जो आपकी बुक है उसकी फोटो क्लिक करके, क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेज देंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ऑल इन वन सॉल्यूशन जो क्वेश्चन पूछने के लिए ऑल इन वन एक्सपर्ट ऐप को भी मैं डिजाइन कर रहा हूं, जो कि जो अगर आप जो प्रैक्टिस है अच्छी है और आप किसी क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो उस ऐप के थ्रू आप जवाब दे सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।